नमस्कार, एनडीटीवी इंडिया के इस विशेष चुनावी कवरेज में आपका स्वागत है। इलेक्शन एक्सप्रेस जो है अमृतसर से चल के जलंधर होते हुए आज लुधियाना पहुंच चुकी है। हम जो है मालवा के इलाके में है और मालवा के बारे में कहा जाता है कि वहां पर 117 में से 68 सीटें हैं, यानी जो मालवा जीतेगा वही मुख्यमंत्री बनेगा। पंजाब की पांच दरियाओं में से एक सतलुज के दक्षिण में जो इलाका आता है वो मालवा कहलाता है। पंजाब के तीन इलाकों माझा, दोआबा और मालवा में से मालवा सबसे बड़ा है। पटियाला, लुधियाना, बठिंडा और संगरूर जैसे अहम शहर मालवा इलाके में आते हैं। परिसीमन के बाद पंजाब की 117 सीटों में से 68 सीटें मालवा इलाके से ही आती हैं। पंजाब के ज्यादातर बड़े नेता मालवा से ही अपनी किस्मत आजमा रहे हैं, जिनमें मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल, कांग्रेस के नेता कैप्टन अमरिंदर सिंह और राजेंद्र कौर भट्टल भी शामिल हैं। पिछले चुनाव में कांग्रेस की हालत इस इलाके में अच्छी रही, उसे 39 सीटें मिली। इस बार भी कांग्रेस ने पूरा जोर लगा रखा है। जो मुद्दे हैं उनमें से एक अहम मुद्दा कीटनाशकों के इस्तेमाल से बढ़ता कैंसर हो गया है। डेरा सच्चा सौदा फैक्टर भी है। कहा जा रहा है कि तकरीबन 35 सीटों पर यह फैक्टर असर डाल सकता है। राजनीतिक जानकार पंजाब के वित्त मंत्री रह चुके मनप्रीत सिंह बादल की ताकत को भी नजरअंदाज नहीं कर रहे हैं। वो अकाली दल से अलग होकर अपनी पार्टी बना चुके हैं और कई सीटों के चुनावी गणित को बदलने का मादा रखते हैं। आज 25 जनवरी है और आज जो है वोटर्स डे भी है, यानी आज के ही दिन 60 साल पहले जो है भारत के चुनाव आयोग की स्थापना हुई थी और चुनाव आयोग जो है कठपुतलियों के जरिए वोटरों को लुभाने की कोशिश में लगा। नहीं, मतलब आंखें खुली है और देख भी नहीं रहे, तो क्या मैं आपको दिखाई दे रहा हूँ? मुद्दा महंगाई का, अज साडी जनता 65% जिहड़ी आ दो टाइम दी रोटी भी नहीं रच के खा सकदी पई। वही जीतेगा जो अपने वादों पे खरा उतरता है। काम की पहल दी जाएगी, जो पहले किसी की बात सुनेगा काम करेगा। इसमें कोई जाति पाति कोई पार्टी का कोई ऐसा संबंध नहीं है। उसका जो पास्ट है उसका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड तो नहीं है। या दूसरा ये है कि अगर उसने जहाँ से पहले वो कुछ बना हुआ है या जहाँ जिस एरिया में वो रहता उसने वहां पर उसने कुछ डेवलपमेंट की है। तो मैं जैसा कि आपको बार बार बता रहा हूं, मैं लुधियाना के मॉडल टाउन बाजार में हूं और निश्चित रूप से पंजाब में आज तीन बड़े नेताओं ने चुनाव प्रचार किया। राहुल गांधी थे आज यहां पे, उसके बाद लालकृष्ण आडवाणी और हेमा मालिनी। निश्चित रूप से कोई भी पार्टी अपना कोई भी कसर छोड़ना नहीं चाहती है। तो निश्चित रूप से इस चुनाव में जो अकाली बीजेपी गठबंधन है और कांग्रेस की इज्जत जो है दांव पे लगी हुई है। मामला मुकाबला जो है कांटे का है और निश्चित रूप से इस कांटे के मुकाबले के लिए आपको 6 मार्च तक इंतजार करना पड़ सकता है। हमने आपसे 10-15 वायदे नहीं किए, एक वायदा किया था कांग्रेस पार्टी की यूपीए की सरकार बनेगी तो वो आम आदमी की सरकार होगी, गरीबों की, पिछड़ों की, कमजोर लोगों की, मजदूरों की, किसानों की, उनकी सरकार होगी। ईमानदार लोगों की कमी है इस केंद्र की सरकार में। केंद्र में बैठे हुए लोग जो हैं, आज अगर बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट हैं और वो महंगाई को नहीं रोक पाते हैं तो उसका कारण ये नहीं है कि उनको इकोनॉमिक्स की समझ नहीं है, अर्थशास्त्र की समझ है, लेकिन अपनी सरकार में जितने सारे मंत्री हैं उनकी बेईमानी को रोक नहीं सकते, बेईमानी को रोकना भी नहीं चाहते। निश्चित रूप से आपने लालकृष्ण आडवाणी को सुना, भ्रष्टाचार उनके लिए बहुत बड़ा मुद्दा है, लेकिन देखते हैं कि आज आनंद पटेल जो कि पंजाब से, उनकी क्या रिपोर्ट कहती है। पंजाब में आज राहुल गांधी ने 3 रैलियां करके अपनी पार्टी के उम्मीदवारों के लिए वोट मांगे। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की सरकार आम आदमी की सरकार होगी, वहीं अकाली बीजेपी सरकार पर केंद्र की योजनाओं का लाभ पंजाब की आवाम तक नहीं पहुंचने देने का आरोप भी लगाया। इस हलके में कांग्रेस पार्टी गुटबाजी और बागियों से जूझ रही है, लेकिन आज
मन से राहुल गांधी ने यह ऐलान किया कि पंजाब में कैप्टन अमरिंदर सिंह ही उनकी पार्टी के सीएम पद के उम्मीदवार हैं। जलंधर से कैमरा पर्सन अर्पित जायसवाल के साथ आनंद पटेल, एनडीटीवी इंडिया। एनडीटीवी क्रिकेट ऐप एंड्रॉइड एंड आईफोन, फास्टेस्ट स्कोर कार्ड, स्पेशल एनालिसिस एंड मच मोर। डाउनलोड फ्री ndtv.com/apps.